हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और हम इसके अंदर क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक को रीड कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आता होगा। और अब तक हमने इसके 15 पेज कवर कर लिए हैं, और 15 पेज पर जो हमने टॉपिक कवर किया था पहले, वो किया था मैंने आपको टेस्ट बड्स के बारे में बताया था जो हमारी टंग में होती है, और फिर मैंने आपको स्टार्ट करा दिया था फूड पाइप और ईसोफेगस। इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो फूड पाइप मैंने आपको बताया था कि फूड पाइप जो है वो अलोंग द नेक होता है, अलोंग द नेक होता है और चेस्ट, ठीक है, चेस्ट तक जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। मतलब जो फूड है वो पुश पुश करा जाता है नीचे की तरफ, किसके जरिए? फूड पाइप की वॉल के जरिए। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। मतलब ये वैसे तो एक्चुअली देखा जाए कि ये मूवमेंट है किसका, ये जो हमारा फूड का मूवमेंट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल पहले आपको बता चुका हूँ क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये डाउनवर्ड ही होता है, ठीक। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्टमक, जो फूड हमारे मुंह के जरिए नीचे आया है फूड पाइप के थ्रू, वो स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको वो बाहर निकाल देता है, जिसको हम वॉमिट कहते हैं। वॉमिट समझ में आता होगा ना, उल्टी करना। आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट, जो भी इसकी वजह होती हो, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। मतलब आप इसकी वजह को जानिए कि कब आपको उल्टी हुई थी, कब आपने वॉमिट किया था। इसका रीजन ये है कि आपका स्टमक उस फूड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा भाई तू जा, मुझे तेरे साथ कुछ नहीं करना है, तू वापस जा, तू जहां से आया था वहां वापस लौट जा, ठीक। तो ऐसा कब होता है, तो इसके इसका भी रीजन है, इसके हम इसको हम आगे पढ़ाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए और उस पार्टी में आपने बहुत खा लिया, ठीक है, पूरी भी खा ली, कचौड़ी भी खा ली, पनीर भी खा लिया, मशरूम भी खा लिया, छोले भी खा लिए, आलू भी खा लिए, मटर भी खा ली, ठीक है, फास्ट फूड भी खा लिया। अब भाई स्टमक कह रहा है बस इसके आगे कुछ मत खाना, अब मेरी जो है कैपेसिटी नहीं है उसको डाइजेस्ट करने की। लेकिन आपने कहा नहीं, गुलाब जामुन तो रह गई है, बिना गुलाब जामुन खाए मैं कैसे जा सकता हूँ। तो आपने कहा ठीक है भाई एक गुलाब जामुन और खा लेता हूँ, लेकिन स्टमक कह रहा है भैया रुक जाओ मत खाओ। लेकिन आपने गुलाब जामुन खाई, स्टमक ने कहा ठीक है मैंने तो मना किया था, तुमने फिर भी खाई, तो आप ये जो खाया है इसको वापस ले जाओ। फिर आप उसको उल्टी कर देते हो, तो इतना तो समझ लीजिए, ठीक। बाकी जो मेनली रीजन है, बहुत सारे रीजन है, किसी बहुत सारे लोगों को पहाड़ पर चढ़ने से उल्टी आती है, बस में ट्रैवल करने से उल्टी आती है, तो उसके अलग अलग रीजन है। ये मेडिकली भी बहुत सारे रीजन है, ठीक। तबीयत खराब होती है तब भी उल्टी आती है। द स्टमक, अगला जो टॉपिक है हमारा, द स्टमक इज द थिंग थिक वॉल्ड बैग। मतलब स्टमक जो है वो एक मोटी दीवार का बैग है, बस्ता है एक तरीके का। इट इज शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे, मतलब ये जे की तरह होता है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर। मतलब ये एक एक एंड पर, जो ऊपर वाला जो एंड है इसका, उस पर ये फूड को रिसीव करता है, कहां से? फूड पाइप से। और दूसरे वाले पार्ट, दूसरा वाला जो इसका पार्ट है वो कहां ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पर। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, जो अंदर का जो लाइनिंग होती है स्टमक की, वो क्या क्या सीक्रेट करती है? सीक्रेट करने का मतलब हो गया निकालना। म्यूकस अभी बताऊंगा म्यूकस क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl होता है, एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस वो जूसेस होते हैं जो सीक्रेट होते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यानी कि स्टमक की इनर लाइनिंग से, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, म्यूकस जो है वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड, जो एसिड होता है वो बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं, बहा देता है, जो कि खाने के साथ में एंटर होते हैं। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और जो स्टमक का मीडियम है वो एसिडिक बना देता है। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, और जो हमारे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट हो रहे हैं उनको हेल्प करता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, कौन? एसिड जो रिलीज हो रहा है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस,
जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हो रहे हैं स्टमक की इनर लाइनिंग से, वो क्या करते हैं, प्रोटीन को तोड़ देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक। क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर, इसके वाले पहले लेक्चर में बताया था कि जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने को ही हम डाइजेशन कहते हैं। अब प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको सिंपलर सब्सटेंस में कौन तोड़ रहा है, डाइजेस्टिव जूस। द स्मॉल इंटेस्टाइन, अगला जो टॉपिक है द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। मतलब ये जो छोटी आंत है, मैंने आपको बताया था कि ये इसका नाम सिर्फ छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ी है। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 7.5 मीटर, मतलब कि 7.5 मीटर लंबी होती है। आप इमेजिन करिए कितना बड़ा हो गया ये, कितनी लंबी हो गई। अब सोचिए आपके पेट के अंदर है, तो पेट के अंदर ये कैसे है, ये स्पाइरल वाली फॉर्म में है, इस तरीके से है, ऐसे करके है, ठीक। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियास। मतलब ये जो कहाँ ये रिसीव करती है सीक्रेशन को, मतलब कि सीक्रेशन का मतलब जूस सीक्रेट होते हैं कहाँ कहाँ से, लीवर से और पैनक्रियास से। बिसाइड्स इट्स बॉल आल्सो सीक्रेट जूसेस, मतलब इसके अलावा इसकी जो वॉल्स होती है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये भी जूसेस को सीक्रेट करती है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ऑन द राइट साइड। तो ये जो मैंने लाइन पढ़ी है ना, ये एक्चुअल में क्या है, ये लीवर की पोजीशन बता रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर लीवर कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द लीवर इन योर बॉडी, तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा। तो जो लीवर होता है, द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन कलर का होता है और एक ग्लैंड होती है, ठीक। ग्लैंड आपको बताया था, ग्लैंड का काम होता है कि जूस को सीक्रेट करना। ये जूस सीक्रेट क्यों होते हैं, ये खाने के डाइजेशन के लिए सीक्रेट होते हैं। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ऑन द राइट साइड, इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन, मतलब सीधे हाथ पर एब्डोमन के ऊपर होता है क्या, लीवर। सीधे हाथ पर एब्डोमन के ऊपर होता है क्या, लीवर। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ये क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है, जो कहां पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। ये गॉल ब्लैडर आप सुनते होंगे, इसको कहते हैं अपनी देसी भाषा में पित्ता कहते हैं इसको, ठीक है, गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, जो बाइल जूस सीक्रेट हो रहा है लीवर से, वो इसको स्टोर कर लेता है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, मतलब जो फैट का डाइजेशन होता है, फैट को जो पचाना होता है, हजम करना होता है, वो बाइल जूस से ही होता है। द पैनक्रियास इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, जो पैनक्रियास होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्रीम कलर का ग्लैंड है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट बिलो होता है। The pancreatic juice act on carbohydrates, fats and proteins and changes them into simpler form. जो pancreas से जो juice secrete होता है वो क्या होता है, pancreatic juice, ये किस किस पर काम करता है, carbohydrate पर, fats पर और protein पर, और उनको बदल देता है simple form में, ठीक। तो थोड़ी सी एक story बताता हूँ gallbladder के बारे में। आपने सुना होगा कि gallbladder के अंदर, यानी कि पित्ते के अंदर store हो जाती है पथरी, इसे कहते हैं। तो पथरी जब गॉल ब्लैडर के अंदर हो जाती है, पथरी एक्चुअली हमारी बॉडी में दो जगह होती है, एक किडनी में होती है और एक गॉल ब्लैडर में होती है। जो किडनी की पथरी होती है वो तो इजीली निकल जाती है दवा वगैरह से या यूरिन के थ्रू भी निकल जाती है, लेकिन जो गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी होती है वो इजीली नहीं निकलती। वो उसको हमें क्या करना पड़ता है, गॉल ब्लैडर को अपनी बॉडी से बाहर निकलवाना पड़ता है। इस चीज का डॉक्टर ऑपरेट करके उसको, गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल देते हैं। ये जनरली बहुत बहुत जगहों पर आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, आप अपने घर पर पूछिए कि किसी का गॉल ब्लैडर बाहर निकला है क्या, या किसी का पित्ता बाहर निकला है क्या। तो गॉल ब्लैडर के अंदर जब पथरी हो जाती है, तो उस पथरी से छुटकारा पाने के लिए गॉल ब्लैडर को बाहर निकलवाना पड़ता है। तो अब जब गॉल ब्लैडर बाहर निकल गया, तो बाइल जूस जो पैनक्रियास से, जो लीवर से, जो हमारा सॉरी पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, लीवर से जो बाइल जूस क्रिएट होता है, जो सीक्रेट होता है, वो स्टोर कहाँ होगा, वो स्टोर होगा ही नहीं गॉल ब्लैडर के अंदर। तो जिन बंदों का गॉल ब्लैडर बाहर निकल जाता है, उनको फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता है, और उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप जो है वो फैट सादे ना खाएं, यानी कि ऑयली चीज़ें ना खाएं, ठीक। तो ये वाला पेज मैं यहीं पर एंड करता हूं, और इसके बाद मैं आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।